रणबीर कपूर इन दिनों अपनी एक्शन पीरियड फिल्म शमशेरा को लेकर लाइमलाइट में हैं। हाल ही में फिल्म से रणबीर की पहली झलक दिखाई गई थी और इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया था। ये फिल्म 18 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर के साथ वाणी कपूर और संजय दत्त भी नजर आएंगे। हालांकि शमशेरा एक तरह से रणबीर के लिए हटके फिल्म होने वाली है, क्योंकि आज तक रणबीर ने चॉकलेटी लवर बॉय के किरदार प्ले किए हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है। इस बार रणबीर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। और आपको बताते हैं उन तीन बड़ी चीजों के बारे में जो रणबीर शमशेरा में पहली बार करते दिखेंगे। नंबर वन, रणबीर करेंगे डबल रोल। बॉलीवुड भास्कर की रिपोर्ट की माने तो फिल्म से जुड़े सोर्सेस ने बताया है कि रणबीर इसमें डबल रोल में नजर आएंगे। वो आपस में बाप बेटे के रोल में नजर आएंगे। दोनों में फर्क के लिए मेकअप का सहारा लिया गया है। बाप का नाम शमशेरा है, उसकी लंबी जुल्फे हैं। उसके लिए रणबीर कपूर ने विग का सहारा लिया है। बेटे बल्ली के रोल में उनकी छोटी छोटी जुल्फे रखी गई हैं। वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इस फिल्म में अंग्रेजों के माथहत काम करने वाले इंडियन पुलिस अधिकारियों के जुल्म और सितम दिखाए जाएंगे। नंबर टू, रणबीर की चॉकलेट इमेज को ब्रेक होगी। सोर्सेस ने बताया कि रणबीर ने इसमें हार्डकोर एक्शन किया है। उनका स्किन टोन भी टैन किया गया है। वो स्क्रीन पर जरा सामने दिखेंगे। उनका लुक जल्द रिवील होने वाला है। उनके माथे पर जो मार्क है वो भील आदिवासी समुदाय से लिया गया है। माथे पर तीन मार्क उस समुदाय के लोगों पर जन्म लेते ही लगा दिया जाता है। मूल रूप से रणबीर की चॉकलेट इमेज को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के मेजर एक्शन सीक्वेंस मुंबई के फिल्म सिटी में शूट हुए हैं। लद्दाख में 10 दिनों तक गाने शूट किए गए। कमालिस्तान स्टूडियो में फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया गया था। वो 10 या 11 दिनों तक चला और फिल्म में मेजर एक्शन 18वीं सदी में मौजूद रहने वाले हथियारों से हुआ है। कमालिस्तान स्टूडियो में वो एक्शन 400 से 500 जूनियर आर्टिस्ट के साथ शूट किया गया है। फिल्म में घुड़सवारी करते हुए आपसी फाइट्स भी बहुत है और उसे फिल्म सिटी के जोकर मैदान में शूट किया गया है। एंड नंबर 3, कविताओं और तुकबंदी के फॉर्म में होंगे डायलॉग। संजय दत्त इस फिल्म में हार्डकोर विलन के रोल में दिखेंगे। उनके किरदार का नाम शुद्ध सिंह है। उस किरदार के नाम में शुद्धता है, मगर सोच से वो बड़ा समानती किस्म का है। आदिवासियों से उसे बड़ी चिड़ और नफरत है। मेकर्स ने उन दिनों का समा क्रिएट करने के लिए डायलॉग में प्रयोग किए हैं। बीच बीच में किरदार कविताओं और तुकबंदी के फॉर्म में बातें करने लगते हैं, जैसा वीर रस की कविताओं में होता है। अब जाहिर है कि शमशेरा से रणबीर की चॉकलेटी बॉय की इमेज तो ब्रेक होगी ही, और अगर इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया तो रणबीर की किस्मत ही बदल जाएगी और वो इंडस्ट्री में नए एक्शन हीरो के रूप में उभर के सामने आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।